नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के गांव बंडाला में एक विवाहिता को ससुर परिवार ने अंधविश्वास के चलते उतारा मौत के घाट। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला किया दर्ज। लहरागागा की वार्ड नंबर 1 में वैष्णो देवी के दरबार माथा टेकने गए परिवार के घर को चोरों ने बनाया निशाना। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी के दौरान मनाया गया नशा मुक्त पखवाड़ा। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के गांव बंडाला में एक विवाहिता को उसके ससुर परिवार की ओर से अंधविश्वास के चलते मारपीट कर उसे मारकर उसकी मृतक देह को पेड़ से लटका दिया गया। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और मृतक लड़की का मायका परिवार भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान मृतका कोमलप्रीत कौर के पारिवारिक सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 2 वर्ष पहले कोमलप्रीत का विवाह गांव खतराए कला में रहने वाले साचन प्रीत सिंह के साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि कोमलप्रीत के घर बच्चा होने वाला था और उसके पैर में छेद हो गया था, जिस कारण उसे टीवी हो गई और बेड पर पड़ी रहती थी। वह चलने फिरने में असमर्थ थी। उसका ससुर परिवार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे चर्च में ले जाने लगा, जहां वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंधविश्वास के कारण उसका ससुर परिवार उसे चर्च में ले जाने लगा। कुछ दिन पहले कोमलप्रीत ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी 4 दिन बाद मौत हो गई। उन्होंने कहा कि चर्च से कुछ दूरी पर उनकी लड़की की लाश बरगद के पेड़ से लटकती हुई मिली है, जबकि वह चलने फिरने में असमर्थ थी, तो फिर वह कैसे फंदा लगा सकती है। उन्होंने बताया कि उसके सिर और पीठ पर चोट के निशान भी मिले हैं, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि उसके पति और सास की तरफ से मारकर उसे रस्सी से फंदा दिया गया है, इसलिए वे ससुर परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लड़की के मायके परिवार के बयानों के आधार पर ससुर परिवार के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वे फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बेटी ने जी अपना गिरजे खड़ते ही बदोबदी खड़ते ही गिरजे वो मतलब नहीं जाती, इस करके कल फोन भी किया 11 बजे अपनी मम्मी ने गल भी राती हुई है, तो सवेरे इन्होंने कहता भी मर गई। कितने गिरजे केड़े गिरजे राजवाल गिरजे राजवाल गिरजे हाँ जी हाँ जी एक कहते थी तुरके गई आज पैर तो जख्म ही तो वह तो तुर नहीं सकती, कुछ टट्टी पेशाब अं चौके कराने हाँ तो ये पुछो भी कितना एड्डी दूर पहुँच जाऊगी। तो जेड़ा गले दे विच निशान पिया होया वो किस चीज़ का वा? चुन्नी ने फाड़ दिता जो किन्ना ने फाड़ दिता इन्हों ने दिता वा जिहड़े नाल अपनी वो सस ते वो परौने ने दिता वा की नाम परौने दा की नाम साजन हाँ जी की नाम जी मैं जसवंत सिंह अज आप नूं ये गल दसनी चाहुंदा कि जिहड़ी अज कुड़ी कोमलप्रीत दी मौत होई है ना इहनूं इलाज इहनूं कुड़ी नूं बीमारी सी टीवी दी ये सस सहुरिया ने टीवी का इलाज नहीं कराया तो दवा कराने के बहाने चर्च में ले फिरते रहे राजेवाल चर्च से होर भी चर्च खड़े होएगा अजे तीजी बारी चर्च से लिया है जो कि कुड़ी का डॉक्टरी इलाज होना चाहिए ही वह तो 2 महीने पहलों ऑपरेशन होया कुड़ी का पैर का वो पैर से भोरी ही जिद करके वह चलना फिरना बंद हो गया एक जगह तो चुक के ही लैके देंगे उस बाद डिलीवरी हुई वो घर बेटा होया 4 दिन बाद बेटे की डैथ हो गई जिदे करके उन्होंने टीबी हो गई होर बीमारियां वाह लग गई इन्होंने वह इलाज नहीं कराया उन्होंने चर्च च ले फिर दे इन्ना अंधविश्वास बढ़ गया कि अब पुलिस को आके कहते ही सवेरे कि सानू डेड बॉडी दे रहे अजे भी साडा प्रभु इस जान पा दूगा। ये जी लड़की के फादर के बयान से जोड़ा वा अं मुकदमा दर्ज किया वा तो उन्होंने सानू यो दसिया है साड़ी लड़की जी इतने राजा सां सी ढेर वाले पास पिंड पैदा खतराए कला 2 साल पहलों ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ
तो उन्होंने उन्होंने टीवी की भी दस दे शिकायत सी कुड़ी नूं ते उहदे इलाज लूज वास्ते तुरे फिरदे सी ते अज जिहड़ी रात लंघी आ 17-18 दरमियानी रात ते इत्थे साडे जंडियाले एरिए च ना मोड़ पिंड झीते दे लागे हवेलियां बाबा जस्सा सिंह आ उत्थे बोर्ड आ इक ते बोर्ड दे नाल उहदी डैड बॉडी जिहड़ी आ लटकदी मिली आ ते उह फिर डैड बॉडी जिहड़ी उह अहीं कब्जे च लै के ते लड़की दे फादर दे बयानां दे जिहड़ा उह 302 दा मुकदमा दर्ज कीता आ ते उह जिहड़ा उहदा घर वाला लड़का आ जिहड़ा साजनप्रीत ते उहदी माता जिहड़ी आ परमजीत कौर दोनां ते जिहड़ा वा 302 दा मुकदमा दर्ज कीता। लहरा काका के वार्ड नंबर 1 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के घर में चोरी हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घर के मालिक माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए 14 जून को गए थे और 17 जून को जब वापस घर पहुंचे तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। आपको बता दें कि चोरों ने चोरी की शुरुआत कैसे की। 15-16 जून की रात को वे घर की गली में पहुंचे और गली में लगी स्ट्रीट लाइट को बंद करने के बाद वे घर में घुसे। लगातार 3.5 घंटे तक वे चोरी की घटना को अंजाम देते रहे और घर से सोना, चांदी, नकदी और 2 LED चोरी कर ले गए। 3.5 घंटों बाद चोर LED सिर पर उठाकर और बाकी सामान 2 बैगों में भरकर CCTV में जाते हुए दिखाई दिए। वे घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। इस मौके पर थाना लहरा के प्रभारी मनप्रीत सिंह ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये ना जी मेरे भरा का घर है जी, ये सुनील रेडीमेड के नाल इतने 15 तरीक न रात को 12 बजे के आसपास चोरी हुई है जी। असी मेरे भरा होरी जिहड़े आ वैष्णो देवी माता ते गए हुए थे मत्था टेकन वास्ते, तो जदों ये 16 तरीक न आए शाम को तो जो इन्होंने दरवाजे वगैरह खोले 17 जो आए इन्होंने दरवाजे वगैरह खोले तो उदों ये पता लग्या भी ये दरवाजा तोड़ के जाली तोड़ के जाली विच दी चोर चले गए अंदर जी। वो जी एक तो लै गए साड़ी LED लै गए हैं जी, LG की 55 इंची, एक 32 इंची हायर की LED लै गए हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड लै गए हैं, थोड़ा बहुत सिल्वर लै गए हैं, कैश लै गए हैं जी। और आइडिया 3-4 घंटे ये घर के अंदर रहे ने जी। CCTV कैमरे च 2 सीगे जी मुंडे, जिन्हां ने एक ने ऐनक लाई हुई सी जो सानू क्लीयर तो नहीं पता लग रहा, आइडिया लग रहा साडा ये मे भी 2 मुंडे हैं 20-22 साल दे जी, ते ओ उन्हां दी कार्रवाई लगती है जी। जी हाँ, ये अज तकरीबन 1/2 घंटा पहला कल भी आई थी पुलिस टीम, कल लोकल टीम आई थी, अज संगरूर तो जिहड़े है फिंगरप्रिंट वगैरह स्पैशल डॉग्स वगैरह आए ने, वो सारी चैकिंग कर रहे ने, चैकिंग करन तो बाद वो सानू दसणगे भी अगली कार्रवाई की करनगे। इहदे च अज साडे कोल अमृतपाल सिंह ने स्टेटमेंट लिखाई है, अमृतपाल सिंगला ने, कि वो 14 तरीक नूं गए थे मत्था टेकन गए सी माता दे, उदों बाद जदों कल शाम नूं वापस आए तो उन्हां दे घरे चोरी हुई सी। उसके तहत उन्होंने अच्छ असी मुकदमा नंबर 118 दर्ज किया, तो इस तो बाद तफ्तीश शुरू की है। 16 की रात में यह चोरी सामने आई है, जो CCTV फुटेज निकाले ने, फोरेंसिक टीमां मौके पर बुला लिया सी, उन्होंने जो भी उन्होंने मिले उन्होंने तफ्तीश करके साडे वल करता, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करके समान रिकवर कराया जाएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अमृतसर जोनल यूनिट ने हुसैनीवाला में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम जीवन को हाँ कहें और नशीले पदार्थों को ना कहें रहा। नशा मुक्त भारत के तत्वाधान में सहायक निर्देशक NCB अमृतसर संदीप कुमार यादव ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर अमरजीत सिंह कमांडेंट मोहिंदर जीत सिंह बोपाराय, सहायक निदेशक करनीपाल राठौर, सहायक कमांडेंट और रजनीश IEO चंडीगढ़ भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। 26 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा मना रही है, जिसमें NCB की अलग अलग जोनल यूनिटें देश के अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान चला रही हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर अमृतसर जोनल यूनिट और चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने BSF के साथ मिलकर हुसैनीवाला बॉर्डर पर
एक जागरूकता अभियान चलाया और यहाँ उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई, जिसमें उनको इस मुहिम में शामिल होने के लिए साथ जोड़ने के लिए आग्रह किया गया। यहाँ से हम अपने साथ इन लोगों को ये संदेश दे के भेजना चाहते हैं कि भारत के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि वो नशों से दूर रहें। डॉक्टर नवीन सूद मोगा से, पंजाब से, आज बॉर्डर देखने आए फिर फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगा। जज्बा देश के लिए हमें ऐसे ही करना चाहिए, पर आज एक नई चीज़ देखने को मिली जो ड्रग्स पर आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है 26 जून के लिए, वो बहुत अच्छा है। ऐसा मैसेज जनता में जाए तो यंग जनरेशन कम हो जाए नशे में, तभी हमारा पंजाब बचेगा। जालंधर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्ष बेमिसाल को लेकर विस्तार से बताया। एक विदेशी अखबार के आर्टिकल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि पहला प्रधानमंत्री है जो गांव से आता है और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। आगे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत सारी योजना लेकर आए, इतना ही नहीं पुरानी योजनाओं में भी काम तेज किया है। जनता से कनेक्ट होने के लिए मन की बात के माध्यम से लोगों से बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्ष के समय हमारी इकोनॉमी 10 से नीचे नहीं आई, लेकिन मोदी सरकार के समय हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। इसी तरह देश की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत काम किया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कि इन 9 सालों में जो योजना बनी, उससे पहले कोई योजना नहीं, कुछ नई योजनाएं हैं, कुछ जो पहले योजनाएं हैं उनका स्केल बढ़ाए और स्पीड बढ़ाए। ये स्केल और स्पीड, ये महत्वपूर्ण शब्द है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके का। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी से पहले भी इस देश में मकान बनाने की योजना थी, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। टारगेट मिलते थे किसी ग्राम पंचायत में 2 या 3 4, और राशि मिलती थी लास्ट में हाईएस्ट 50,000 हो गई थी, जिसमें से 43,000 वो देते थे, 7,000 पर्यावरण के लिए रखते थे, पेड़ लगाया है, नाली छोड़ी है क्या, साफ सफाई है क्या, तब देते थे। तो 3 किस्तें तो वो, और 4थी किस्त और पर्यावरण के नाम पे, और फिर उसका जो वेरिफिकेशन होता था वीडियो से वेरिफिकेशन कराओ, पहली किस्त में पहली किस्त का पैसा लगा नहीं लगा, दूसरी किस्त का लगा नहीं लगा, फिर कलेक्टर से कराओ, विवाद हो जाता है तो डिविजनल कमिश्नर भी आता था बीच में, ये लेंथी प्रोसेस था। अब योजना थी, उस योजना का स्वरूप बदला और योजना बनी प्रधानमंत्री आवास, और कच्चे मकान पक्के मकान बनते हुए हम देख रहे हैं गाँव में भी, पूरे देश में भी, और करीब करीब इन 9 सालों में 4.5 करोड़ पक्के मकान बन गए। स्केल बढ़ा, स्पीड बढ़ी, राशि भी बढ़ी, 43,000 से सीधा 1.5 लाख किया, कुछ जगह 2.5 लाख तक भी, कुछ राज्य सरकार ने अपना सहयोग दिया, और टेक्नोलॉजी का चेंज उन्होंने यहाँ यूज किया। क्या यूज किया, जैसे पहले वो यूटिलाइजेशन मांगते थे वीडियो कलेक्टर, उससे इन्होंने जियो टैग किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जियो टैग किया का फोटो खींच के भेज दीजिए, और फोटो वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हो जाएगा, और अगर काम कमरे आपके बने हुए नजर आ जाएंगे तो आपकी राशि सीधे खाते में चली जाएगी। ये चेंज है जी, ये 9 साल का मैं स्पेशल मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल जितना चेंज इन 9 सालों में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये देखिए, ये विषय वैसे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब देश का संविधान बन रहा था तब भी ये विषय चर्चा में था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये सीआरपीसी सब पे लागू नहीं है क्या, प्रॉपर्टी एक्ट सब पे लागू नहीं है क्या। तो ये विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया उनके क्यों ये डिफरेंट रखते, लेकिन उस समय विषय, लेकिन फिर भी उन्होंने के मुंशी बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अच्छी बहस की और ये संविधान के आर्टिकल 44 में इनको स्थान मिला। अब आपने इसलिए आप चर्चा में लाए इस विषय को कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कुछ
काम कर रहा है, नहीं नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, काम कर रहा है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है विषय को, तो हम पब्लिक से सुझाव ले रहे हैं, पब्लिक से सुझाव आने दो, जब पब्लिक से सुझाव आएंगे तो आगे की कार्रवाई चालू होगी। आप देखिए गोवा तो बहुत पहले से ही समान नागरिक संहिता में चल रहा है, उत्तराखंड तेजी से काम कर रहा है, रंजना देसाई जो न्यायमूर्ति है वो उसकी अध्यक्ष है। बाबा के कीर्तन में आते हैं वही लोग जो शाम के दीवाने हैं, जैसे कई मनमोहक भजनों पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन झूमते नजर आए। अवसर था ओल्ड रेलवे रोड नवयुवक मंडल की तरफ से गुंबर मार्केट पुरानी रेलवे रोड में करवाई गई बालाजी चौकी का। गायक अंकित शर्मा अनशन पार्टी ने भजनों की लय को आगे बढ़ाते हुए देर रात तक बालाजी के भजनों से भक्तों को झूमने पर विवश किया। इसके बाद गायक सनी मित्तल एंड पार्टी युवराज लुभाना एंड पार्टी ने भी भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। बालाजी के संकीर्तन के दौरान श्री सालासर बालाजी, श्री मेहंदीपुर बालाजी तथा श्री खाटू श्याम जी तीनों दिव्य अलौकिक शक्तियों के दर्शन एक साथ भक्तों ने किए। इसके अलावा श्री बालाजी को 56 भोग राजभोग फलों का प्रसाद, 101 किलो के लड्डू का भोग, पान भोग तथा महाप्रसाद का भोग लगाकर भक्तों के बीच वितरित किया गया। भजन संध्या में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व मंत्री अवतार हैनरी, शिव मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरदत्त शिंगारी, आप नेता दिनेश ढल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। इस आयोजन में जिले के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित गणमान्यों ने हिस्सा लेकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंडल के संजीव जैन, रजनीश गुप्ता, रवि रहेजा, गगनदीप सिंह, अंकुर मलिक, अमित नाहर, मनीष कुमार कालू, सदानंद मिश्र, पंकज खन्ना, अभिषेक जैन, प्रदीप शर्मा, पंडित राजेंद्र प्रसाद राणा, अभिषेक कश्यप, अरुण कश्यप, प्रवीण कुमार ने आए हुए गणमान्यों व बालाजी के भक्तों को बालाजी का सिरोपा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आने वाले भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में सारी रात चलाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। और प्रेम से बुलाना बाबा को कि बाबा, ओ मेरा छोटा सा परिवार, ओ मेरा छोटा सा परिवार, ओ बाबा आ जाओ, ओ बाबा आ जाओ, ओ बाबा आ जाओ, छोटा सा परिवार, जहाँ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, जहाँ जाओ एक बार। ताली बजाओ। नादान हूँ अनजान हूँ, नादान हूँ अनजान हूँ, ओ बाबा तेरी ही तो संतान हूँ, तुझे ध्याऊं तुझे पाऊं, तुझे ध्याऊं तुझे पाऊं, ओ मेरे दिल का यही अरमान है, मेरे दिल का यही अरमान है, ओ झूमे रे झूमे रे। तो सबको आते होगी, पीछे वालों जोर की बोलो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो जय हो। श्री देवी तलाब मंदिर दे प्रदान होना, वैसे तो लोग इन्हें प्रदान कहते, बाऊ जी पता की कहते हैं, ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਜਾਣ।
देखो हजे नहीं, दोनों हाथ सीधे उठा सारे। आदरणीय श्री बाबू शीतल बच जी के नाम दे एक गज के तालियां, जरा जोरदार तालियां, खुल के तालियां, बहुत बढ़िया। ऐसे हंसने वाले जोरदार तालियां बजा रहे हो बाबा के सेवक के लिए, माँ भक्ति के सेवक के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हो। बोलो तू मेरा मैं तेरा, क्या आनंद आ रहा है। हमने डाला तेरे दर पे कैसे बैठते थे रोज इस रोड पे, नहीं बैठते थे ना, आज क्यों बैठे, क्योंकि जगत का मालिक बैठा है। अगर जगत का मालिक बैठा है, आपका बाप बैठा है, तो दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो ओ तू मेरा मैं तेरा, ओ हमने डाला तेरे दर पे, ओ मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है, ओ बाबा फिर देगा दामन तू ले ले रे। ले 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 श्याम अब तो ले ले मेरा हाथ हाथों में, बोलो ओ मेरा करके बोला करो प्रभु, मेरे एक हाथ में माइक है, आप दोनों कर सकते हो, बोला करो बाबा ओ ले ले रे श्याम तो ले 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 ओ मेरा हाल। और जिस दिन सेठ ने आपका हाल अपने हाथों में लिया ना, उस दिन दुनिया आपसे हाल चल पूछने आएगी, भाई तू कैसा है, भाई तू कैसा है, काटू नरेश की हाल देना पड़ेगा। उठा लो लंबे लंबे हाथ जो देने आया, बोल दो कि पापा वो भर दे रे श्याम झोली ओ ना मेरा ओ मेरी नैया, ओ कन्हैया मेरी नैया, ओ कन्हैया, ओ पार कर दे तू बन के खिलैया, पार कर दे तू बन के खिलैया, ओ मैं तो हारा कमता मारा, मैं तो हारा कमता मारा, ओ आजा आजा ओ मुरली के बजैया, पढ़ ले रे श्याम अब तो सब लिखा जो भजन के लिए आते हैं ना, वो अपनी सात पीढ़ियों का प्रबंध करके जाते हैं। कितनी पीढ़ियों का, आज बावलियां बैठे हैं ना, तो इनके माँ बाप ने जाने कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो आज इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ताली बजा एक बार। कुछ लोग भजन करते करते भजन में सो जाते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भजन करते करते भजन में, उन्हें मतलब नहीं है मुझे बगल वाला देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, उन्हें मेरा बाबा देख रहा है ना, मैं उसके लिए भजन गा रहा हूँ। उठाओ ना एक बार लंबे लंबे हाथ, देव से बोलो ना, अरे कीर्तन तेरा करते करते हम तुझ में ही खो जाए, क्योंकि जब ऐसे ऐसे सेवक जो चौकड़ी मार के प्रभु के दरबार में भजन सुनते हैं ना, आप बड़े भाग्यशालियों के जो आपको ऐसे ऐसे सेवक मिले, जोड़ रहते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे सेवक देखे आएंगे, मटका पहनेंगे, मान सम्मान कराया और निकल देते हैं। बोल खाटू नरेश की। ये पूछो जिनके कंठ नहीं है, गांव गले में गला नहीं है, बोलने को तरसते हैं बालाजी महाराज की, आपको तो गला दिया है, इसका सही उपयोग कर लो। उनसे पूछो जिनके हाथों में ताकत नहीं है, लूले हैं, तरसते हैं बाबा के नाम की ताली बजाने के लिए, आपको तो हाथ दिए हैं, हाथों में ताकत दी है, एक बार दोनों हाथ उठा के हरे राम हरे राम। भैया भैया हेलो, पानी ला रहा, मैं जाम पे जाम पिला रहा हूँ, पानी पिला के ठंडा कर दोगे, ये दो घंटे पानी नहीं पिएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब नाम का रस पी लेंगे ना, जिंदगी सवर जाएगी। ताली बजाओ। वो पीते हैं गिर जाते हैं, ये पीते हैं तो समझ जाते हैं। कौन कौन समझने हैं, अरे राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम।
इंट्रोडक्शन तो मैं पता कर लूंगा बाद में, लेकिन जो भक्ति इनकी मैंने देखी ना, ये सच्चे भगत जरूर है। बोल सच्चे दरबार है कि क्या बात है। इतना सुंदर मंदिर मैंने देखा भी, मैंने लाइव भी किया, मैंने अपने इंस्टा फैमिली को, अपनी फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब को, सबको दिखाया, सबने बहुत तारीफ करी। और वो उसके प्रधान है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ ना। इतना मंदिर सुंदर आपके लिए तैयार कर रखा, सेवक है उसके, जोरदार तालियां। बोल सच्चे दरबार है कि सतगुरु कबीर सभा न्यू शास्त्री नगर चालंदर की ओर से सतगुरु कबीर साहिब जी के 625वें प्रकाश उत्सव की खुशी में एक शाम सतगुरु कबीर के नाम का आयोजन डीसी मार्केट लेदर कॉम्प्लेक्स रोड चालंदर में किया गया, जिसमें स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, संत सतीश साईं, संत रामलाल पाठी, बीबी कृष्णा देवी, देवा पिंकी जी ने उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित संगत का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने सद्गुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस अवसर पर विधायक शीतल अंगुराल, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता दीपक बाली, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, डॉक्टर आशीष कपूर, डॉक्टर नवनीत कपूर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बलदेव सिंह देव, लकी रहेजा, कमल मेहता, अमरजीत अमरी, चेयरमैन सुरजीत सिंह भुल्लर, प्रधान विंकल कुमार भगत, महासचिव राजकुमार भगत सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बिना स्वार्थ के कभी भी कोई कार्य नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, लेकिन जो संत होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से इस संसार में परोपकार का, जनहित का, जन कल्याण का कार्य करते हैं। जैसे एक फल वाला वृक्ष फल देता है, खाता नहीं, एक नदी भी पानी देती है, पानी लेती नहीं है, ऐसे ही संत महापुरुष जो होते हैं वो रूहानियत देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उसके बदले में कुछ देते नहीं है समाज से। महापुरुष दिन रात इस चिंता में रहते हैं कि हम कैसे समाज का सुधार कर सके, कैसे समाज का कल्याण कर सके, क्योंकि हमारा इस संसार में आना समाज के कल्याण के लिए हुआ है, समाज के उद्धार के लिए हुआ है। संत कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं समाज हित के लिए, जनहित के लिए, समाज के कल्याण के लिए। जैसे परम संत कबीरदास महाराज दिन रात कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते थे समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए। परम संत कबीरदास महाराज के पास कोई भी आ जाता था तो परम संत कबीरदास महाराज उसके साथ कोई संसार की चर्चा नहीं करते थे। परम संत कबीरदास महाराज उसके साथ उस परमात्मा की चर्चा करते थे, वो ईश्वर की चर्चा करते थे। परम संत कबीरदास महाराज के पास कोई महात्मा भी आ जाता था, कोई सन्यासी भी आ जाता था, तो परम संत कबीरदास महाराज उसके साथ भी ज्ञान की चर्चा करते थे कि किसी न किसी तरीके से मैं उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकूं। कुटिया बाबा सिद्ध जी बेरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर में श्री श्री 1008 राजेंद्र गिरी जी महाराज एवं ब्रह्मलीन संत बाबा संता सिंह के आशीर्वाद से बाबा अवतार सिंह एवं मुख्य सेवादार बीरा भगत व संगत के सहयोग से 29वां वार्षिक जागरण बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पहले दिन करवाए गए जागरण में बाबा अवतार सिंह व बीरा भगत ने गणेश वंदना, गुरु वंदना गाकर चौकी का शुभारंभ किया, जिसके बाद विधायक रमन अरोड़ा, महंत सुरेंद्र चावला, गायक दीपक सरगम और धार्मिक गायक सुखपिंदर हैप्पी एंड पार्टी ने देर रात तक भजन गाकर बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। तो वहीं जागरण में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, श्री इच्छा पूरन बालाजी, सेवा परिवार के प्रधान एडवोकेट संदीप थापर, अनिकेत थापर ने
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जागरण व भंडारे के आयोजन की बाबा अवतार सिंह एवं मुख्य सेवादार बीरा भगत व संगत को बधाई दी। वहीं इस जागरण के बीच में जरूरतमंद महिलाओं को राशन देने की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज बाबा अवतार सिंह व मुख्य सेवादार बीरा भगत की तरफ से की गई। जागरण के दौरान बाबा जी के भक्तों के बीच भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर हरवीर सिंह, विशाल नागर, अवतार दादरा, विशाल तखी, प्रिंस तखी, जशन दीप, विजय गोगना, केवल कृष्ण शर्मा, मोनू शर्मा, अनमोल शर्मा, पवन कुमार, मानव शर्मा, ललित वर्मा, सुरेंद्र पाल, मोहित वर्मा, लाडा शेर सिंह, शिंदरपाल सिंह, मनप्रीत सिंह सहित अन्य बाबा जी के भक्तजन भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। तो आज कुटिया बाबा साहब की मेरी वाली का दरबार तो जो कि अनंतिमा वार्षिक जागरण भंडारा मनाया जा रहा है, उस विशेष तौर पर साढ़े बाबू जी श्री शीतल जी मुख्य संपादक दैनिक सवेरा तो अच्छे इन्होंने अगर आके अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है और बाबा जी को और महामाई को आशीर्वाद लिया है और बाबू जी इसी तरह ही इस कुटिया अपना प्यार दे रहे हैं। असी जय जयकार करते रहिए महामाई जी बाबा जी जी ये जो छोटे छोटे काम बाबू जी असं करते हैं तिल फुल थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जो इस जरूरतमंद महिलावान असं हर साल इस भंडारे से असं राशन वितरण करते हैं। तो बाबा जी इसी तरह अपने बच्चों को ये सेवा करवाते रहें अपना अपने हाथ सिर से रखा कर। ब्राह्मण दवेसर मोदगिल बिरादरी का वार्षिक मेला कुल देवता मंदिर गांव अखलासपुर में बड़ी ही श्रद्धाभाव से मनाया गया। इस दौरान भजन मंडलियों ने मधुर भजन गाकर उपस्थित भक्तों को निहाल किया तो वहीं भक्तों द्वारा नाच गाकर अपनी खुशी मनाई की। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कुल देवता के स्थान मंदिर अखलासपुर में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हवन यज्ञ किया गया, जिसके पश्चात सत्संग किया गया और अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान आए हुए दवेसर भाईचारे में खुशी और उत्साह देखने को मिला एवं सभी दवेसर मोदगिल बिरादरी ने मेले में पहुंचकर कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अशोक शर्मा जी आज की प्रोग्राम है? आज दवेसर ब्राह्मण नाम की मेल सी जेडी के हर साल जाती है जिन्हें भी ब्राह्मण ने दरेसर ब्राह्मण ने उन्होंने सारे इतला सोचा दी जाती है वह आने अपने बजुर्गों के नतमस्तक होंगे ने अज के दिन इतने बहुत कीर्तन हों भंडारा हों सारी साध संगत दर्शन मिले होंगे ने सारे के सहयोग न यह सारा जोड़ा भंडारा चलता वा ये बिल्डिंग बनती है अगे आ थान लई है और वास्ते भी सारे का सहयोग रहा वा काफ़ी सहयोग दे रहे हैं दिनों दिन जोड़ा ना भगवान कृपा करे तो तरक्की कर। जय श्री राम। साढ़े इतने दिल्ली तो लुधियाना अमृतसर पंजाब जो थां थां तो आए हैं पर दिल्ली तो भी आए हैं कोई MP के भी आ गए हैं कई ने बॉम्बे तो भी पैसे पाते हैं सहयोग लई और ये दिनों दिन संगत इतने वधदी जा रही है और डिवेलपमेंट भी बेहिसाब तरीके अं कर रहे हैं हर कोशिश करते हैं कि सानू कोई नवी तो नवी राय दे असी वो मुताबक इनू गांह वधाने की कोशिश करिए। जालंधर में मां दुर्गा शक्ति जागरण कमेटी मोहल्ला बलदेव नगर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां भगवती का वार्षिक जागरण 1 जुलाई दिन शनिवार को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम से करवाया जाएगा। इस जागरण में महंत रविंदर बिट्टू, अशोक वर्मा माँ की महिमा का गुणगान करेंगे और ओम आर्ट ग्रुप वाले झांकियों का प्रदर्शन करेंगे। तो वही जागरण के उपलक्ष्य में झंडे की रस्म अदा की गई। झंडे की रस्म के दौरान माँ भगवती की ज्योति और बालाजी के स्वरूपों के साथ मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली गई। मोहल्ला वासियों ने शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए ठंडे मीठे जल की छबील और कोल्ड ड्रिंक का लंगर भी लगाया। इस दौरान मां दुर्गा शक्ति जागरण कमेटी के सदस्यों ने सभी मां भक्तों से 1 जुलाई को होने वाले महामाई के जागरण में शामिल होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। इस अवसर पर अमृत सिंह, रामस्वरूप, किशनलाल शर्मा, गौरव शर्मा, सुरेंद्र सिंह, पारस सांझी, लविश,
नंद लाल, अजय शर्मा, संजू शर्मा सहित असंख्य माँ भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु के गांव बंडाला में एक विवाहिता को ससुर परिवार ने अंधविश्वास के चलते उतारा मौत के घाट। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला किया दर्ज। लहरागागा के वार्ड नंबर 1 में वैष्णो देवी के दरबार माथा टेकने गए परिवार के घर को चोरों ने बनाया निशाना। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में रिट्रीट सेरेमनी के दौरान मनाया गया नशा मुक्त पखवाड़ा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।